हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नक्ष और आप देख रहे हैं ड्रग इन्फो इंडिया। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं SBL का आर्निका मोंटाना शैम्पू। ये शैम्पू है, सबसे पहले आप इसका बोतल देखिए। ये जो मैं बोतल लेकर आया हूं, ये 200 ml का बोतल है और इसका MRP है 143 rupees, 143 rupees। ये मुझे मिला है 130 rupees में और काफ़ी बड़ा शैम्पू है। ब्लू कलर का इसके अंदर शैम्पू निकलता है और ये शैम्पू इससे पहले मैंने यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट है, इसके तीन इंग्रेडिएंट है। ये एक होम्योपैथिक शैम्पू है, इसमें है थूजा, जबरेंडी और कैलेंड्यूला। ये तीनों ही नेम होम्योपैथिक नेम है और होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट है ये। मैंने इस शैम्पू का पूरा बोतल यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। आर्निका मोंटाना का ये शैम्पू जब आप अपने बालों में यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा झाग बनाता है और आपके बालों को अच्छे से क्लीन कर देता है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है, वैसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इससे कोई हेयर फॉल कंट्रोल होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये इसको यूज़ करने के बाद बाल सिल्की हो जाते हैं और आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये अगर आपको थोड़ा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपको बालों में थोड़ी से डैंड्रफ की समस्या है, तो ये उसको निकाल देता है, लेकिन साथ में ये थोड़ा सा आपके बालों को ड्राई कर देता है। आर्निका मोंटाना के इस शैम्पू की स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छी है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये मेडिकेटेड शैम्पू जैसी स्मेल इसकी नहीं है, इसकी स्मेल जो है वो कॉस्मेटिक शैम्पू जैसी ही है। अब बात करते हैं कि आप इस शैम्पू को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं वीक में। वैसे तो ये डेली शैम्पू है, आप इसको रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो फील किया है, अगर आप इसको रोज़ाना यूज़ करेंगे तो ये बालों को थोड़ा सा ड्राई बना देता है, तो बेटर होगा कि आप इसको एक दिन छोड़कर यूज़ करें, रोज़ाना इसको यूज़ ना करें। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस शैम्पू को यूज़ करने का, मुझे ये एक ऑर्डिनरी शैम्पू जैसा ही लगा। मुझे ये ऑर्डिनरी शैम्पू से, जैसे आम शैम्पू होते हैं पैंटीन, हेयर, हेड एंड शोल्डर, उन सब के जैसा ही लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा उनसे ये नहीं लगा। कीमत भी इस शैम्पू की ऑलमोस्ट उनके जैसी ही है। तो ये था मेरा SBL आर्निका मोंटाना शैम्पू का ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने अपने रिव्यू में जैसा ये शैम्पू है बिल्कुल वैसा ही आपको बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया। मैं ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू अपने चैनल पर करता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।